सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको कोई रिव्यू वगैरह नहीं देखने वाला है। हम आए हैं हमारी बाइक की डिलीवरी लेने। तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि N160 का कलर, ये स्कीम और इसमें डुअल चैनल ABS वगैरह भी मिल जाता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है जिसका थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम गए फटाक से शोरूम, बजाज के शोरूम, LIG शोरूम पे। वहाँ पे ये डिस्प्ले में खड़ी थी, मैंने इसको अच्छे से चेकआउट करा क्योंकि मैंने दूसरी कोई गाड़ी देखी ही नहीं थी। मतलब 160 में मुझे लेना था, NS ऑलरेडी मेरे पास एक है, तो मेरे पास यही ऑप्शन रह रहा था कि मैं N160 ले लूँ। अपाचे वगैरह मतलब अच्छी है बट मुझे उतनी पर्सनली अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने उसको फटाफट से इसको चेक वेक करा, फिर यहाँ पे सब देख लिया कि कैसी लग रही है, अंदर कैसी लग रही है। फिर उसके बाद बाहर इसकी टेस्ट राइड के लिए हम गए। तो ये छोटे छोटे से क्लिप्स डाल रखे मैंने, ऐसे इंडिविजुअली तो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। फिर ये यार्ड से हमने नया पीस निकलाया क्योंकि उस वाले शोरूम वाले पीस पर थोड़ा सा एक स्क्रैच था, तो यहाँ पे जाके हमने एक फ्रेश पीस निकाला। अभी थोड़ी सी धूल में दिख रही है गाड़ी, बट इसको फटाक से शोरूम ले जाके जल्दी से धुलवा लेते हैं। तो गाइज ये गाड़ी धुल के निकल चुकी है एंड अब ये ऊपर जाएगी। यहाँ पे अपना पेमेंट प्रोसेस वगैरह चल रहा है, और पेमेंट प्रोसेस से मैं बता दूँ कि मुझे ये गाड़ी ऑन रोड 1,60,000 की पड़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा वसूल है। इसको चलाने के बाद इसकी लाइट का थ्रो, इसका साउंड आउटपुट जो है वो मतलब उसके बाद लग जाता है कि पैसा वसूल है। फिर हम यहाँ पे बिल्कुल डिलीवरी के जस्ट पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी गाड़ी की, थोड़ा सा वो चल रहा था, और यहाँ पे हमें की मिल जाती है कार्तिक भाई की तरफ से। फिर अब मम्मी से पूछा तो मैंडेटरी है, अगर नई गाड़ी ले रहे हैं और मम्मी से पूजा नहीं करवाई तो देन किस काम का। मम्मी से फटाफट से जल्दी पूजा करवाते हैं इसकी, और पूजा करवाने के बाद हम इसको लेके जाएंगे अपने घर। और वैसे मेरे पास ऑलरेडी दो पल्सर्स है, जैसे कि एक NS160 है और एक पल्सर 125 में स्प्लिट सीट है। तो गाइस जब तक के लिए पूजा हो रही है तब तक के लिए यार कमेंट कर दो बढ़िया कि इस पर कौन सा आपको वीडियो चाहिए, इसका माइलेज टेस्ट चाहिए, नाइट लाइट का थ्रो चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे नीचे वाला दबाओ उसको। तो गाइस बाइक का फर्स्ट स्टार्ट मम्मी के हाथ से करा दिया है। आपको इसका साउंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। खैर काफ़ी ज़्यादा बेसी सा साउंड है। हमारे यहाँ पे राइडर की भी पूजा कर देते हैं गाड़ी लेते समय, पता नहीं क्यों, उसका रीज़न मुझे भी नहीं मालूम है। तो काफ़ी मतलब एक ऐसे अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि हाँ खुद की पर्सनल बाइक ले रहा हूँ मैं। और मैं सबको मतलब दिल से थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के बिना ऐसे पॉसिबल नहीं था। मतलब ऐसे ले सकता था मैं बट खुद से लेना आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल था। अब ये बाइक अपनी रैम से उतर रही है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल के लुक से। मतलब अंधेरे में अलग दिखती है और सनलाइट में बहुत ज़्यादा अलग दिखती है। ये बाइक फाइनली बाहर आ चुकी है, तो अब यहाँ पे अपन इसे घर भी ले आए। आप देख सकते हैं NS160 की मैंने बात करी थी वो वहाँ खड़ी है, और बाहर अपनी जुपिटर भी खड़ी है अपनी कार के पास में। कलेक्शन अपना काफ़ी ज़्यादा हो गया, 6-7 गाड़ियाँ हो गई अपने घर में। और ये देखो आप कुछ इस तरीके से इसका मीटर क्लस्टर वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा छोटा करा है इसके साइज़ को, और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मतलब मेमोरीज हमेशा याद रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ।